हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने आपका एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड के बारे में पढ़ा था और हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई वैरायटी। पहली वैरायटी कंप्लीट हो गई कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, और दूसरी वैरायटी कंप्लीट हो गई डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब चलते हैं ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ। ठीक है, कि हर एक हाइब्रिडाइजेशन के अबाउट क्या ज्योमेट्री क्या शेप होते हैं, और इन सभी ज्योमेट्री या फिर शेप के लिए आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है कि कौन सी ज्योमेट्री प्लेनर है, कौन सी नॉन प्लेनर है, कि किस ज्योमेट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, उस ज्योमेट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो ज्योमेट्री रेगुलर है कि इररेगुलर। रेगुलर या इररेगुलर बोलने का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल है या फिर असिमेट्रिक। ठीक है, रेगुलर बोलने का मतलब सिमेट्रिकल ही होता है। ठीक है, और सभी जो बॉन्ड जो भी ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री में जितने भी बॉन्ड पेयर है उनके बीच एंगल क्या है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और तुम लोग यार एक काम करो कि तुम लोग जो भी लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस लेक्चर में कमेंट करके इतना बस बताओ कि वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरी बड़ाई मत करो, बड़ाई नहीं सुनना है मुझे, मुझे बस इतना कन्फर्म करना है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो कितना परसेंट समझ में आ रहा है, 10%, 100%, 50%, तो वो लिखो इतना परसेंट समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताओ कि जिस टाइप के जिस जो टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूँ उस टॉपिक के सवाल तुम खुद सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं सॉल्व कर रहे, बस इतना बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सवाल तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। बड़ाई नहीं चाहिए कमेंट बॉक्स में यार। ठीक है, तो इतना करो, इतना तुम लोग जरूर करो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगा ना, मेरे पास तरीके और हैं। ठीक, तो चलो इस टॉपिक को इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है। ठीक है, और इंटरमिक्स कौन करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं ना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वो अपने आप को टू डायमेंशनल स्पेस या फिर थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, टू डी बोलने का मतलब एक प्लेन में, थ्री डी बोलने का मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस या तीनों एक्सेस के अबाउट कहीं भी लाई कर सकता है। तो वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो टू डायमेंशनल स्पेस और थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे को इस तरह से, जिस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है, जिस तरह से अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद जैसे दिखते हैं, ठीक है, जैसे दिखते हैं उसी को ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, और जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो अपने आप को मैक्सिमम एंगल पे, अब मैक्सिमम एंड एंगल पे क्या नाम है, अरेंज करते हैं कि जैसे कि जिससे उसमें रिपल्सन क्या लगे, मिनिमम लगे। जैसे कि यहाँ पे मैं देखो, यहाँ इससे क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। जैसे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, p में कौन सा, px ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे, जिसकी संख्या कितनी होगी, दो होगी, क्योंकि जितने ऑर्बिटल मिक्स करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बना है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि जैसे इनके बीच रिपल्सन क्या लगे, मिनिमम लगे। तो एक बात बताओ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो xy प्लेन में होगा या फिर xz प्लेन में होगा, क्योंकि इसके पास x एक्सिस ही है। ठीक, तो xy प्लेन में होगा या xz प्लेन में होगा, और एक प्लेन का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो सिंपल है यार, दो लोगों को एक प्लेन में बैठाना है मैक्सिमम एंगल पे, तो कितने डिग्री पे बैठा सकते हैं यार, 360 बाई 2 कितना आ गया, 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है, दो लोगों को बैठाना है एक प्लेन में, एक प्लेन का एंगल होता है 360 डिग्री, मैक्सिमम एंगल पे कितना बैठा सकते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, एग्जांपल के लिए कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि BeCl2। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp आता है। ठीक, इन जनरल इसको हम AB मान लेते हैं, AB2 टाइप का कंपाउंड। ठीक, तो AB2 अपने आप को किस तरह से अरेंज करेगा, यहाँ इस तरह से अरेंज करेगा कि मैक्सिमम एंगल पे अरेंज करेगा, ये हो गया सेंट्रल एटम और ये हो गया B और ये हो गया B, मतलब ClCl। एंगल कितना है इनके बीच, 180 डिग्री है, एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो और ये ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, देखो ऐसी दिख रही है, एक लाइन के अबाउट दिख रही है, ये ज्योमेट्री हो गई लीनियर, एक लाइन के अबाउट है ना। ठीक, एक लाइन के अबाउट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर ज्योमेट्री। और एंगल देखो 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो पहली बात क्या हो गई, ज्योमेट्री क्या निकल के आई, ज्योमेट्री निकल के आई तुम्हारा लीनियर ज्योमेट्री।
अगर हाइब्रिडाइजेशन एस पी है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात क्या है कि सभी बॉन्ड एंगल सेम है कि नहीं है। ठीक है, सभी बॉन्ड एंगल सेम है, ऑल बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, कितना है, 180 डिग्री। ठीक, अगर पड़ोसी सेम रहता है ना तो बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है। एक्चुअली में बॉन्ड एंगल में परसेंटेज एस कैरेक्टर देखना पड़ता है, लेकिन सिंपली इन सब में यहाँ ध्यान रखो कि SP, SP2, SP3 तक परसेंटेज एस कैरेक्टर तो वैसे भी सब में सेम होता है। SP में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होता है, SP2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33%, 33 होता है, और SP3 में 25% होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, और साथ ही साथ पड़ोसी भी सेम हो, ठीक है, पड़ोसी भी सेम हो तो बॉन्ड एंगल भी सेम होता है और बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाती है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल अगर सेम है सभी तो बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है, तो ऑल बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, ऑल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे देखो, मान लो ये क्या है, क्या बेरिलियम है और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, देखो ये डिस्टेंस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, तो अब ऑल बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाती है। ठीक, चौथा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, चौथा पॉइंट ध्यान रखना है ये ज्योमेट्री प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। प्लेनर बोलने का मतलब यह है कि जितने भी एटम हैं वो एक प्लेन, किसी भी ज्योमेट्री, कोई भी ज्योमेट्री प्लेनर या फिर नॉन प्लेनर होगी, प्लेनर होगी अगर सभी एटम एक प्लेन में आ जाए। तो देखो ये पेपर वाला प्लेन लेंगे तो ये तीनों एटम एक प्लेन में आ जा रहे हैं, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी, प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक, चौथी बात ये हो गई। पांचवी बात याद रखनी है, रेगुलर ज्योमेट्री है कि इररेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर या फिर इररेगुलर बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, रेगुलर कोई भी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। ठीक है, रेगुलर या फिर इसको ही हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल, ओके, रेगुलर या फिर सिमेट्रिकल होगी अगर उस ज्योमेट्री में जीरो लोन पेयर हो, लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, और साथ ही साथ ऑल बॉन्ड एंगल क्या हो, ऑल बॉन्ड एंगल क्या हो, सेम हो। ठीक है, सभी बॉन्ड एंगल सेम हो और क्या हो, जीरो लोन पेयर हो, तो वो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, रेगुलर हो जाएगी। तो देखिए सभी बॉन्ड एंगल सेम है और लोन पेयर क्या है, जीरो है, तो ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, पांचवें नंबर पे याद रखिए, ज्योमेट्री रेगुलर हो जाएगी, या फिर इसे सिमेट्रिकल कह लीजिए। ठीक है, इसे सिमेट्रिकल कह लीजिए। ठीक, पांचवा नंबर ये हो गया। छठवां नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने लाई कर रहे हैं एक प्लेन में, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन कितने हो जा रहे हैं आपके, मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने हो जा रहे हैं, सिंपल देखो यार, एक लाइन के अबाउट है तो सारे एटम इस प्लेन में आ जाएंगे, तो मैक्सिमम तीन एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक, तो हर एक ज्योमेट्री के अबाउट ये छह बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, छह बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब लोन पेयर आता है तो शेप बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, लीनियर ज्योमेट्री में, तो लोन पेयर के बारे में भैया मेरे ये छह बातें तो हमेशा, नहीं चार बातें तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक करके सबका नंबर आएगा, जब नंबर आएगा तो सब एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसका नंबर है, देखो पहला ये पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट कि किसी भी ज्योमेट्री में उतने ही लोन पेयर आ सकते हैं जिससे उस ज्योमेट्री में मिनिमम नंबर ऑफ दो बॉन्ड पेयर बचे रहें। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ कितने बॉन्ड पेयर बचे रहें, दो बॉन्ड पेयर। ठीक, तो किसी भी ज्योमेट्री में उतने ही लोन पेयर आएंगे जिससे कि उस ज्योमेट्री में मिनिमम नंबर ऑफ दो बॉन्ड पेयर बचे रहें, तो क्या लीनियर ज्योमेट्री में लोन पेयर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि इसके पास दो ही बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, SP हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब चलते हैं SP2 की तरफ। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका SP2 है, इसका मतलब क्या है कि एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल में पी एक्स और दो दो पी ऑर्बिटल पी एक्स और पी वाई आपस में मिक्स होके कितने SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे, तीन SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे। अब मैंने क्या बना, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो, रिपल्सन मिनिमम हो मतलब बॉन्ड एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक, तो ये किस प्लेन में तीनों ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लाई करेंगे, देखो एक्स वाई एक्सिस है तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, एक प्लेन का एंगल 360 डिग्री। अब सिंपल है, एक प्लेन में तीन लोगों को मैक्सिमम एंगल पे रखना है, तो कितने एंगल पे रख सकते हैं भैया मेरे, 360/3 120 डिग्री एंगल पे रख सकते हैं। ठीक, तो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं BCL3। ठीक है,
बी एफ थ्री, इन जनरल हम इसे मान लेते हैं ए बी थ्री, ठीक है, ठीक ए बी थ्री मान लेते हैं। अब तीन लोगों को 120 डिग्री पर रखना है, ठीक, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया। अब इसको मिलाओ तो 3D में किस तरह दिख रहे हैं, ट्राइंगल की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं है भैया मेरे, ये सजावट है, वो झालर बोलते हैं ना झालर, ये सजावट है, बॉन्ड तो भैया मेरे ये सब है, बॉन्ड ये है, ये तो सजावट है, थोड़ा मॉलिक्यूल अच्छा दिखे, ठीक। तो कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, इसलिए ज्योमेट्री क्या बोल देते हैं हम लोग, ज्योमेट्री बोल देते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर इसलिए बोलते हैं कि सारे एटम एक ही प्लेन में होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। रुको दिखाता हूँ ट्राइगोन, ये ज्योमेट्री कैसी होगी, एक मिनट, देखो ये ज्योमेट्री ऐसी है, ट्राइंगल की तरह बन रहा है कि नहीं, ठीक है, और सारे एटम क्या हो रहा है, एक प्लेन में लाई कर जा रहे हैं, ऐसा वाला पेपर वाला प्लेन, ऐसा प्लेन लो तो सारे एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। तो ज्योमेट्री दिखी हमें ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक। दूसरी बात क्या है कि सभी बॉन्ड एंगल क्या है, ऑल बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के हैं, ये सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं तुम्हारे, 120 डिग्री के होते हैं, ठीक है, तो ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120 डिग्री, तो ऑल बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है और कितने हैं, 120 डिग्री, ठीक है। पड़ोसी अगर सेम है और लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, सेम होता है, ठीक। अभी लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंजेस आएगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है, मैंने क्या बताया, सभी बॉन्ड एंगल सेम है तो सभी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी, तो ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल बॉन्ड लेंथ भी क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी, ठीक। चौथा पॉइंट, प्लेनर ज्योमेट्री है क्योंकि सारे आइटम एक ही प्लेन में लाई कर जा रहे हैं तो प्लेनर है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, रेगुलर है कि इररेगुलर है, भैया मेरे एक भी लोन पेयर नहीं है और सभी बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये रेगुलर हो जाएगी, ठीक। छठवा पॉइंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो देखो सारे एटम एक प्लेन में लाई कर जा रहे हैं, ये सेंट्रल एटम हो गया और ये तीनों पड़ोसी हो गए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम एक प्लेन में है, मैक्सिमम एटम इन अ प्लेन, चार लाई कर रहे हैं, ठीक। तो ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए इतनी बातें ध्यान रखनी है, जब उस ज्योमेट्री में एक भी लोन पेयर ना हो, ठीक। अब इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, और आ सकता है तो कितना आ सकता है, एक आ सकता है, क्योंकि किसी भी ज्योमेट्री में उतने ये लोन पेयर आ सकते हैं जिससे उस ज्योमेट्री में दो बॉन्ड पेयर मिनिमम बचे रहें। तो आओ देखते हैं, लोन पेयर अगर इस ज्योमेट्री में आ जाएगा तो क्या होगा, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं SnCl2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका भाई, दो पड़ोसी तो दो सिग्मा हो गए, ठीक। इस कार्बन फैमिली का है तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ले लिया क्लोरीन तो बचा इसके पास कितना, दो, तो एक लोन पेयर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, SP2 आ गया, ठीक। तो इसको हम माल, ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, ठीक, तो इसको हम अरेंज करेंगे, इसको जनरल इन जनरल मान लेते हैं AB2L, L को लोन पेयर, ठीक है, AB2L मतलब लोन पेयर, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है हमें 3D स्पेस में, ठीक है, तो ये हो गया दोनों क्लोरीन और ये आपका हो गया हमारा लोन पेयर, ठीक है, ये हमारा हो गया आपका लोन पेयर, ठीक। अब ये कैसा दिख रहा, अब जब लोन पेयर आ जाता है ना तो शेप डिफाइन करते हैं, ठीक है, शेप डिफाइन करते हैं, तो लोन पेयर आ जाए और शेप कैसे निकालते हैं, देखो जो भी लोन पेयर होता है उसको किसको किस तरह मानो, मांस की तरह मानो, मांस मतलब हमारे शरीर में जो मांस होता है यार, मांस की तरह मानो, और ये जो भी बॉन्ड पेयर होता है इसको मानो हड्डी, हड्डी की तरह मानो, ठीक है। अब और क्या करो, एक्सरे ले लो, जब एक्सरे लेते हैं तो भाई हड्डी क्या होती है, मांस गायब हो जाता है और हड्डियाँ ही आती हैं, तो एक्सरे लो, एक्सरे लो, लो तो क्या हो जाएगा, मांस गायब हो जाएगा, हड्डियाँ दिखेंगी, तो हड्डी किस तरह दिख रही हैं, वी शेप की दिख रही हैं कि नहीं, वी शेप की तरह,
ठीक है, वी शेप की तरह दिख रहे हैं, तो शेप इसका क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा, वी शेप। ठीक है, जब भी लोन पेयर आ जाते हैं ज्योमेट्री में, किसी ज्योमेट्री में, तो शेप पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। तो शेप अगर पूछेगा तो शेप कैसे निकालना है, लोन पेयर को मांस मानना है और बॉन्ड पेयर को हड्डी मानना है। एक्सरे लेंगे तो मांस गायब हो जाएगा, हड्डियाँ दिखेंगी, और हड्डी जिस तरह से दिखेंगी, जिस शेप की, वही आपका शेप हो जाएगा। तो शेप यहाँ वी शेप हो जाएगा, या इसे ही बेंट शेप भी कहते हैं, बेंट शेप भी कहते हैं। ठीक है, बेंट शेप कहते हैं। एक बात ध्यान रखो कि अगर SnCl2 का आपको ज्योमेट्री पूछे, तो ज्योमेट्री आपको ट्रायंगुलर प्लेनर ही बतानी है, भले ही उसमें लोन पेयर हो चाहे ना हो। ठीक है, ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होती लोन पेयर के आने से या जाने से। ज्योमेट्री पूछे SnCl2 का, तो ज्योमेट्री हमेशा भैया ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, शेप अगर पूछे तभी हमें एक्सरे लेना है, भैया अपने मन से एक्सरे मत ले लेना, शेप अगर पूछे तभी एक्सरे लेना है। अगर ज्योमेट्री पूछ रहा है तो लोन पेयर हो चाहे ना हो, आपका ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगी। ठीक, अब ज्योमेट्री आ जाए, अब इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आ गया, तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, इनमें क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट शेप हो गया, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रायंगुलर प्लेनर। तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आप छोड़ के रखिए, क्योंकि ये डिटेल में अभी मैं बेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल में बताऊंगा कि लोन पेयर के आ जाने से बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ या फिर बॉन्ड एनर्जी, तीनों में चेंजेस आता है। जब लोन पेयर किसी ज्योमेट्री में आता है ना, तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, तीनों में चेंजेस आता है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, और चार बात हो गई, पांचवी बात क्या थी, प्लेनर ज्योमेट्री है कि नॉन प्लेनर। भैया मेरे प्लेनर, क्योंकि वी क्या होता है, ABCD का जो वी होता है वो एक प्लेन में आ जाता है कि नहीं आता था। देखिए सिंपली, देखिए ये वाला जो है, ये वी ऐसे करेंगे, ये वाला प्लेन, तो एक प्लेन में आ जाएगा, तो ये ज्योमेट्री क्या है, प्लेनर हो जाएगी। कहाँ लिखूँ इसको, ठीक है, इसी में मार्क कर लीजिए, ये प्लेनर है। ठीक है, वी शेप भी प्लेनर ज्योमेट्री है। रेगुलर है कि इरेगुलर, भैया लोन पेयर आ गया तो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लोन पेयर आ गया तो इरेगुलर हो गया, मैंने क्या बताया, लोन पेयर के आ जाने से बॉन्ड एंगल जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है, तो जीरो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है तो इरेगुलर हो जाएगा। मैक्सिमम एटम कितने लाई करेंगे, देखिए तीन एटम लाई कर रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मैक्सिमम तीन एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम तीन एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ओके, तो sp हो गया और sp2 हो गया। ठीक है, sp2 हो गया sp, और sp2 में ये जो शेप मैंने बताया ना, वी शेप या बेंट शेप, जब एक लोन पेयर आ जाता है तो इसी को वी शेप या बेंट शेप को एंगुलर शेप भी बोलते हैं, कहीं कहीं एंगुलर भी लिख देता है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा, वी शेप बोले या बेंट शेप बोले या फिर एंगुलर शेप बोले, तीनों बात क्या है, एक ही है। ओके, अब चलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। ठीक है, कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होंगे, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल, कौन कौन से, px py और pz आपस में कंबाइन करके चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे। ठीक है, चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को कैसे अरेंज करेंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस में, कि उनके बीच बॉन्ड एंगल क्या हो, मैक्सिमम हो, मतलब रिपल्सन मिनिमम हो। तो देखो यहाँ तीनों एक्सेस इन्वॉल्व है, तो ये किसी पर्टिकुलर एक प्लेन में ना लाई नहीं करता है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस या तीनों प्लेन, तीनों को मिला के जो प्लेन बनते हैं, कुछ हिस्सा इसका, कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में होंगे, कुछ वाई जेड प्लेन में होंगे और कुछ एक्स जेड प्लेन में होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं जो टेट्रा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इस तरह की होती है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरह से। ठीक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसा होता है। और सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं आपके, 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। ठीक है, तो चार sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाती है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है। सभी बॉन्ड एंगल क्या है आपके, सेम है, तो ऑल बॉन्ड एंगल, ऑल बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, ऑल बॉन्ड एंगल सेम है, और कितने हैं तुम्हारे, 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। ठीक है,
109 डिग्री 28 मिनट के। अगर बॉन्ड एंगल सारे सेम है तो क्या हो जाएगा, ऑल बॉन्ड लेंथ भी सेम हो जाएगी, ऑल बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी। ठीक है, ऑल बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल हो जाएगी। अब ये ज्योमेट्री बताओ प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है। भैया अभी मैंने बताया कि तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है, तीनों एक्सिस इन्वॉल्व है तो ये प्लेनर नहीं हो सकती। ठीक है, इसको दिखा भी देता हूँ मैं, एक मिनट रुको, थोड़ा सा फील आ जाए तुम लोगों को, ज्योमेट्री प्लेनर है कि नॉन प्लेनर। ठीक है, एक मिनट, देखो ऐसा होता है, ये मॉलिक्यूल जो होता है ना, एक सेकेंड, इस तरह से होता है, ठीक दिख रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, इस तरह से देखो ऐसा होता है, ये तीनों ऐसे होते हैं और ये वाला बॉन्ड ऐसा होता है। तो कहीं से भी ये एक प्लेन में सारे आ रहे हैं, देखो एक प्लेन में मैक्सिमम ये वाला जब प्लेन लेंगे ना हम, ये वाला, तो देखो तीन ही एटम आ रहे हैं, ये दोनों एटम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और उस साइड वाला एटम। तो ठीक है, सारे एटम एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी तुम्हारी, नॉन प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और मैक्सिमम कितने एटम आ रहे हैं एक प्लेन में, तीन आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, तो ज्योमेट्री क्या है आपकी, ज्योमेट्री नॉन प्लेनर है। ठीक है, पांचवी बात क्या है आपका, रेगुलर है कि इररेगुलर। देखो सभी बॉन्ड एंगल सेम है और एक भी लोन पेयर जब नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। ठीक है, छठवीं बात क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हैं एक प्लेन में, मैक्सिमम एटम कितने हैं, तीन एटम। अभी हमने देखा कि तीन ही एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, दो एटम आपके छूट जा रहे हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में ये बातें निकल के आ गई। अब असली बात आती है कि लोन पेयर इसमें आ जाए तो, इस ज्योमेट्री में। ठीक है, तो लोन पेयर अगर इस ज्योमेट्री में आ जाए तो दोनों को एक साथ दिखा देता, अगर मान लो एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, सॉरी ऐसे दिखाता हूँ तो थोड़ा फील आएगा, मान लो ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ लोन पेयर लाई कर गया, ठीक है, यहाँ लोन पेयर लाई कर गया, और एक और ले लो, दो लोन पेयर मान लो आ गया, ऐसा करके एक लोन पेयर और ऐसा करके एक लोन पेयर। ठीक है, ठीक, जब इस ज्योमेट्री में मान लो एग्जांपल के लिए क्या लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हाँ अमोनिया ले सकते हैं और यहाँ पे वाटर ले सकते हैं। देखोगे तो इसमें क्या होता है, तीन सिग्मा होता है और एक लोन पेयर होता है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री होता है। ठीक है, इसमें दो सिग्मा होता है और दो लोन पेयर होता है। ठीक है, दो लोन पेयर होता है, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी एसपी थ्री होता है। ठीक, अब इनके बारे में हमें पता लगाना है कि इसकी ज्योमेट्री अगर पूछे तो मैंने क्या कहा, लोन पेयर हो चाहे ना हो ज्योमेट्री वही रहेगी टेट्राहेड्रल। अगर शेप पूछे तो शेप क्या निकल के आएगा, रुको दिखाता हूँ शेप क्या निकल के। अगर मान लो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऐसे एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है, ठीक है, लोन पेयर मान लो आ गया, ठीक, ये लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर, तो देखो कैसा दिख रहा है पिरामिड, देखो तुम लोग, जब एक्स्ट्रा ये लोन पेयर को क्या मान लिया हमने, मांस मान लिया, और ये सारे बॉन्ड पेयर क्या होंगे, हड्डी होंगे। ठीक है, एक्सरे जब हम अगर लेंगे तो लोन पेयर क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो देखो पिरामिड की तरह दिख रहा है, पिरामिड देखे हो तुम लोग, पिरामिड, पिरामिड बन रहा है ना, तो पिरामिड की तरह दिख रहा है। ओके, तो शेप क्या हो जाएगा, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जा रहा है तो शेप कैसा हो जाता है भाई, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल शेप हो जाता है। ठीक, वही अगर दो लोन, दो लोन पेयर आ जाए तो सीधे यार वी शेप दिख रहा है। देखो अब एक बॉन्ड और गायब हो जाएगा, वी शेप दिख रहा है। ठीक है, तो दो लोन पेयर आ गया तो शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वी शेप होता है, वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर शेप इसे बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, एक लोन पेयर आया तो ज्योमेट्री क्या नाम है, शेप कैसा हो गया, पिरामिडल,
तीसरी बात क्या निकल के आएगी, ऑल बॉन्ड एंगल सेम नहीं होंगे, क्योंकि मैं बताया था लोन पे जब आ जाता है तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी चेंज हो जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। पांचवा पॉइंट, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, प्लेनर नहीं है भैया, ठीक है, रुको दिखा रहा हूँ। अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो प्लेनर ज्योमेट्री नहीं रह जाती है, कैसे, क्योंकि पिरामिड प्लेनर कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कौन सा प्लेन लोगे, ठीक है, कौन सा प्लेन लोगे, अगर ये प्लेन ले रहे हो तभी भी ये दोनों एटम नहीं आ रहे हैं, अगर ये प्लेन ले रहे हो तभी भी ये दोनों एटम नहीं आ रहे हैं, तो ये अभी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, नॉन प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। एक लोन पेयर आ गया तभी भी नॉन प्लेनर ही रहेगा। और क्या निकल गया, पांचवा पॉइंट हो गया, छठवां पॉइंट क्या है, रेगुलर है कि इरेगुलर, सीधी बात है, लोन पेयर आ गया तो इरेगुलर होगा, ठीक है, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम लाई कर रहे हैं एक प्लेन में, आप मैक्सिमम दो ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो चला गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ दो ही एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो मैक्सिमम एटम कितने लाई कर रहे हैं एक प्लेन में, दो एटम, ठीक है, देख लीजिए आप, क्योंकि ये वाला मान से गायब हो गया। अब ये वाला प्लेन लेंगे हम, ये वाला, तो ये दोनों देखिए, यही और यही एटम आ रहे हैं, ये दोनों एटम बच जा रहे हैं, तो मैक्सिमम दो एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक। अब इस ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर आ गया, दो लोन पेयर आ गया तो ऐसा होगा, ठीक है, दो लोन पेयर आ गया तो ऐसा होगा, ठीक है, ये दोनों लोन पेयर हो गए, ठीक है। अब दोनों लोन पेयर हो गए, जब हम एक्सरे लेंगे तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे, आपके लोन पेयर होंगे, गायब हो जाएंगे, तो कैसा शेप दिख रहा है भैया, वी वी शेप दिख रहा है कि नहीं, ऐसा करके वी शेप, ठीक है। तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपके दो लोन पेयर आ जाए तो शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा आपका वी शेप, ठीक है, वी शेप, बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप, ठीक है। ज्योमेट्री तो वही रहेगी आपकी, लोन पेयर आए चाहे ना आए, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया, बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ में क्या चेंजेस आते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। पांचवा पॉइंट क्या है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, अभी मैंने बताया जो वी शेप होता है, वी शेप एक प्लेन में लाई कर जाता है, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, प्लेनर हो जाएगी, ठीक। छठवा पॉइंट क्या है, रेगुलर है कि इररेगुलर, लोन पेयर भैया है तो लोन पेयर है, तो कभी भी रेगुलर नहीं हो सकता, इररेगुलर होगा, ठीक है। सातवां पॉइंट, मैक्सिमम कितने एटम लाई कर रहे हैं, तीनों एटम लाई कर जा रहे हैं, क्योंकि वी सेफ है, ऐसा करके देखोगे तो तीनों एटम एक प्लेन में लाई कर जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एटम कितने लाए, मैक्सिमम एटम लाइज इन अ प्लेन, इन अ प्लेन कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके सोचा जाता है चीज़ों को, क्योंकि एग्जामिनर इन सब चीज़ों के बारे में पूछ देता है, इसलिए मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि एक ही जगह एक ही ज्योमेट्री में हर तरह के क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हर ज्योमेट्री के बारे में इन सब बातों का ध्यान रखना है, इन सब ज्योमेट्री को ना आप थ्री डायमेंशनली सोच लीजिए, क्योंकि रटेंगे तो मैं जो नहीं लगता कि पॉसिबल है कि हर चीज़ों को रटा जा सकता है, ये सब चीज़ें आप विजुअलाइज़ कीजिए जैसे मैं विजुअलाइज़ करता हूँ, और विजुअलाइज़ करके आंसर दीजिए कि ऐसे अरेंज होंगे तो इतना एंगल होगा, ठीक है, और क्या नाम है, लोन पेयर आ जाएगा तो इतने एटम एक प्लेन में आएंगे, इतने एटम एक प्लेन में नहीं आएंगे, रेगुलर या इरेगुलर, तो ऐसे ही पहचान जाएंगे कि लोन पेयर है इरेगुलर हो जाएगा, या फिर सभी कोई भी बॉन्ड एंगल डिफरेंट है तो भी इरेगुलर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ना विजुअलाइज़ करके ही हम आंसर दे सकते हैं, इसको रट नहीं सकते। बहुत लोगों को मैंने देखा है शेप भी रटते हैं, ज्योमेट्री भी रटते हैं, भैया रटोगे सवाल कभी नहीं निकलेंगे, समझने की कोशिश करो, वो जो ज्योमेट्री है उसको अपने दिमाग में बैठाओ, थ्री डायमेंशनली सोचो, तो सारी चीज़ें अपने आप दिखती चली जाएंगी। ये सब चीज़ें मैंने कभी रटा नहीं है, सब चीज़ें मैं अभी देख रहा हूँ, इतने एटम लाई कर रहे हैं, ऐसी ज्योमेट्री बन सकती है, अरेंजमेंट जब हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को अरेंज करेंगे तो ऐसा ज्योमेट्री दिख रहा है, ठीक। तो उसे थ्री डायमेंशनली सोचो, ठीक है, वो एक प्लेन में लाई करेंगे तो मैक्सिमम एंगल पे लाई करेंगे तो क्या दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें ना विजुअलाइज करो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। तो इस लेक्चर में इन तीनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए इतनी बातें ध्यान में रखिएगा और
ये एक सवाल जो है ट्रायंगल ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल के ऊपर इंपॉर्टेंट है। देखिए द कंपाउंड MX4 दिया हुआ है इस टेट्राहेड्रल, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्स एम एक्स एंगल पूछ रहा है, ठीक है। एक्स एम एक्स एंगल इन द कंपाउंड इज, ठीक, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया, ऑप्शन में दिया है। तो देखते हैं कितने भैया एंगल होंगे एक्स एम एक्स एंगल। बोल क्या रहा है कि कंपाउंड कौन सा है तुम्हारा, कंपाउंड है आपका MX4, और ये क्या बता रहा है, ये टेट्राहेड्रल है, ये क्या है आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है, टेट्राहेड्रल है। अब MX4 पूछ रहा है आपका एंगल, एक्स एंगल कितने होंगे इस कंपाउंड में। तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, एक्स ये किधर एक्स होगा, एक इधर एक्स होगा और एक इधर एक्स होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, पहले इस बॉन्ड को पकड़िए, ठीक है, इस बॉन्ड को पकड़िए, इस बॉन्ड को पकड़ेंगे और काउंट कीजिए कितने एक्स एम एक्स, ठीक है। एक एंगल ये हो गया एक्स एम एक्स, दो एंगल हो गया एक्स एम एक्स, तीन एंगल हो गया। तो इस वाले एम एक्स बॉन्ड से कितने एक्स एम एक्स एंगल आ रहा है, तीन आ रहा है, ठीक। अब इसको पकड़िए, ठीक है, इससे देखते हैं कितने आ रहा है, एक्स एम एक्स एंगल एक हो गया, एक्स एम एक्स एंगल दो हो गया। तो इस वाले से कितने एक्स एम एक्स एंगल आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, ठीक। अब क्या बच गया इस वाले से, देखिए एक्स एम एक्स और कोई आ रहा है, ये वाले तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग, तो इस वाले से एक आ रहा है, ठीक। तो ओवरऑल कितने आ गए, और ये वाला तो सेम ही हो जाएगा सबके लिए, कॉमन हो जाएगा। तो ओवरऑल कितने एक्स एम एक्स एंगल आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक्स एम एक्स एंगल इसमें कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये जितनी बातें मैंने बताई वो ध्यान में रखिएगा, ये सारे शेप लोन पेयर के आ जाने से क्या मतलब ज्योमेट्री या शेप क्या हो जा रहा है, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, ठीक है। अब चलते हैं हम आपका SP3D हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, ठीक है। अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन SP3D है, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एस और तीन पी में PX PY PZ और एक डी आए और अकेले आए और बाद में आए, तो कौन सा होता था आपका, DZ स्क्वायर होता था। ये ज़रूर याद रखिए कि जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन है, डायरेक्ट पूछता है वो डी ऑर्बिटल कौन सा होगा जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमेशा जान लीजिए ये PZ जो होता है वो DZ के साथ एक्जियली ओवरलैप करता है, ठीक है, एक्जियली ओवरलैप करता है अलग से, और ये वाला जो होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और SP2 हाइब्रिड बनाते हैं। ये प्लेन में लाई करते हैं, ये प्लेन में लाई करते हैं, कौन से प्लेन में, XY प्लेन में। देखिए SP2 अगर बनेगा इसमें तो XY प्लेन ही होगा, और ये वाले जो होते हैं वो जेड एक्सिस के अबाउट होते हैं, जेड एक्सिस के अबाउट। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसकी ज्योमेट्री होती है, जैसे कि देखिए इसकी ज्योमेट्री जो होती है ना, ये तीनों जो बॉन्ड होते हैं, ये तीनों बॉन्ड ये आपस में कंबाइन करके एक प्लेन में जाते हैं, किस प्लेन में, एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। और मैंने क्या बोला, एक प्लेन का एंगल 360 डिग्री होता है, और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो कितने डिग्री पे जाएंगे, 120 डिग्री पे जाएंगे, ठीक है, 120 डिग्री पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके, ये प्लेन वाले एंगल हो गए, ठीक है, ये प्लेन वाले हो गए एक प्लेन में जो होते हैं, ठीक। और ये दोनों जो आपस में एक्जली ओवरलैप किए हैं, ये जेड एक्सिस के अबाउट होते हैं इस तरह से आपका, ठीक, इस तरह से, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये पेपर के प्लेन में है, और ये जो दो ऊपर नीचे जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये ऊपर नीचे बॉन्ड ये कहाँ होते हैं आपके, ये प्लेन के ऐसे, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होता है, और ऐसे ही परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होता है, एग्जैक्टली इस तरह, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह। जैसे कि ये देखिए, ये ज्योमेट्री क्या दिख रही है आपको, ये देखिए, इसको 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 मिला दें, इसको मिला दें, इसको इसको इसको, तो एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, देखिए ऐसे करें, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो ये प्लेन वाले हैं, ये प्लेन वाले एक प्लेन में हो गए, जो मैंने बताया ये तीन बॉन्ड SP2 हाइब्रिड ये जो एक प्लेन में रहते हैं XY प्लेन। तो एक दो तीन, ये तीनों बॉन्ड जो है ना, ये एक प्लेन वाले हैं, और ये देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा है, एक है
और ऐसे ही नीचे एक ऐसा है, ठीक है। तो इस प्लेन के एक ऊपर बाउंड है और एक नीचे बाउंड है, ठीक, दिखाई दे रहा ना आपको। हाँ, तो ऐसी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और इस ज्योमेट्री में देखिए दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है, दो तरह के बॉन्ड पाए ज्योमेट्री। पहली बात क्या हो गई आपको, देखिए ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है, ट्राइंगल की तरह दिख रहा है तो ट्राइंगुलर बोलते हैं, ठीक है, ट्राइंगुलर बोलते हैं, ठीक। और इस वाले जो ऊपर वाला बॉन्ड है ना, इससे एक पिरामिड बन रहा है, देखिए एक पिरामिड बन रहा है ऐसे करके। इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाइए, इसके इससे मिलाइए तो एक पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो एक पिरामिड इससे बन रहा है और एक पिरामिड किससे बन रहा है, इससे बन रहा है नीचे वाले से, ठीक है, एक पिरामिड नीचे वाले से बन रहा है। तो दो पिरामिड बन रहा है, इसीलिए बोल देते हैं ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर और बाई पिरामिडल, क्योंकि एक पिरामिडल इससे और एक पिरामिडल इस नीचे वाले से बन रहा है, तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल हो जाता है। और वही अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक लोन पेयर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, एक ही पिरामिड बनता है तो ट्राइंगुलर पिरामिडल कह देते हैं। ये वाली ये वाली नीचे वाला बॉन्ड तो हट जाता है, ठीक। तो अभी इस फिलहाल ज्योमेट्री क्या है इसकी, ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी ट्राइंगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ठीक। क्योंकि इस वाले से एक पिरामिड, इस वाले से इन तीनों बॉन्ड को मिलाया जाए ऐसे तो एक पिरामिड बन रहा है, और इस वाले से इन तीनों बॉन्ड पेयर को मिलाया जाए तो एक पिरामिड बन रहा है, दो पिरामिड बन रहा है। इसके प्लेन वाले से ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और दो पिरामिड बनने की वजह ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री तो ये हो गई। अब भैया मेरे बॉन्ड के ऊपर बात कर लें, दूसरा पॉइंट बॉन्ड के, बॉन्ड एंगल के ऊपर। तो यहाँ दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, ये वाले बॉन्ड एंगल कितने होंगे एक ट्राइंगल का 120 डिग्री, और ये इस वाले जो ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं, ऊपर नीचे वाले बॉन्ड, ये इस इन सभी बॉन्ड पेयर से कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो तरह के बॉन्ड एंगल पाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है, एक 90 डिग्री और एक 120 डिग्री, और एक सीधा सीधा वाला, ये वाला 180 डिग्री। तीन तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाले सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं, ये वाले, ये सारे 120 डिग्री हैं जो प्लेन में है, ठीक है। अब प्लेन के जो ऊपर है इससे देखिए ये 90 डिग्री पे है, ये जो ऊपर वाला इससे ये 90 डिग्री पे है, और ये वाला जो ऊपर वाले हैं इनके बीच एंगल आपका 180 डिग्री है। तो पूछे नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ आपके, नंबर ऑफ 120 डिग्री एंगल कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ तीन है, एक दो तीन, तो तीन 120 डिग्री हो जाएंगे। नंबर ऑफ 90 डिग्री पूछ दे, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल, तो कहाँ, इस वाले ऊपर वाले से देखिए, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है ना इससे कितने 90 डिग्री बन रहा है, एक इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, एक इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, और एक इसके साथ 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। उसी तरह नीचे वाला का भी इनके साथ 90 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है, तीन 90 डिग्री बन रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो ओवरऑल 6 90 डिग्री एंगल होंगे। मतलब इस वाले ऊपर वाले बॉन्ड से इन तीनों, ये तीनों जो बॉन्ड है प्लेन वाले ये 90 डिग्री पे हैं, और ये वाला भी जो है इन तीनों के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री है। तो एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, एक ये 90 डिग्री, और तीन इससे बन रहा है, तीन इससे बन रहा है, तो ओवरऑल 90 डिग्री कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल कितने होंगे, एक ही होगा, ठीक है, ये वाला सीधा वाला। तो ऐसे चीज़ें को देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ कितने, यहाँ पे कितने एंगल, एंगल डिफरेंट हो गया। अब एंगल अगर डिफरेंट हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, ठीक है, दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, मैंने अभी बताया आपको, पीजेड जो होता है डीजेड के साथ एक्सियली ओवरलैप करता है और ये अलग प्लेन में जाता है, जेड एक्सिस के अबाउट जाता है, तो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। और एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो वीकर होते हैं, ठीक है, वीकर एंड लॉन्गर होते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में दो तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं आपके, ऐसे एक्सियल और एक होता है इक्विटोरियल, ठीक है, इक्विटोरियल, ठीक। तो इक्विटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर होते हैं, ठीक है। स्ट्रांग क्यों होता है, क्योंकि देखिए परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है वो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड में होता है, ये वाले बॉन्ड जो होते हैं वो इक्विटोरियल हैं और ये वाले बॉन्ड जो हैं वो आपके एक्सियल हैं। एक्सियल वाले में देखिए परसेंटेज एस करेक्टर है ही नहीं, ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा होता है, पी डी होता है,
इसमें पी डी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं उसमें कौन सा एस पी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इसमें देखिए सीधे सीधे परसेंटेज एस कैरेक्टर, और परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है वो बॉन्ड बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको कैसे होता है। बस इतना जान लीजिए कि इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक, तो हमने बॉन्ड एंगल पे बात कर ली, बॉन्ड क्या नाम है बॉन्ड लेंथ पे बात कर ली। ठीक, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट किस पे बात करते हैं, प्लेनर ज्योमेट्री तो हो ही नहीं सकते, भी मैंने बताया ये एक प्लेन में और ये प्लेन के ऊपर नीचे, तो एक प्लेन में आया नहीं सकता है, आ नहीं सकते, तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, रेगुलर है कि इरेगुलर, बॉन्ड एंगल डिफरेंट है मैंने बताया, तो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर ज्योमेट्री है ये। ठीक है, छठवां पॉइंट, नंबर ऑफ एटम लाइज इन अ प्लेन कितने हो जाएंगे, एक प्लेन में तो यही भैया ट्राइंगल ही लाई कर रहा है, तो एक ये और एक सेंट्रल एटम और ये, ठीक है, नंबर ऑफ चार ही तो एक प्लेन में लाई करेंगे। देखिए ये वाला प्लेन अगर हम लेंगे तो ये वाला एटम आ जाएगा, ये वाला एटम आ जाएगा, ये वाला एटम आ जाएगा और सेंट्रल एटम आएगा, ये ऊपर वाला नहीं आएगा, ये नीचे वाला नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ टोटल कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, सिक्स, ठीक नहीं फोर, नंबर ऑफ एटम लाइज इन अ प्लेन, ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके, चार हैं, तीन ये पड़ोसी इक्वेटोरियल वाले, तीन ये पड़ोसी इक्वेटोरियल वाले और एक सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इस ज्योमेट्री के बारे में इतनी बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस ज्योमेट्री का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होता है, मैं आपको बताता हूँ कि लोन पेयर के आ जाने से क्या क्या इस ज्योमेट्री में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब चलो इस ज्योमेट्री के शेप की तरफ चलते हैं, तो शेप की तरफ चलते हैं, तो पहली बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि लोन पेयर इस ज्योमेट्री में जाएगा कहाँ, इक्वेटोरियल पोजीशन में कि एक्सियल पोजीशन में। तो देखिए लोन पेयर के बारे में मैंने क्या बताया था, पहली बातें बताई थी कि किसी भी ज्योमेट्री में उतने ही लोन पेयर हो सकते हैं जिससे उस ज्योमेट्री में दो बॉन्ड पेयर बचा रहे। दूसरी बात ध्यान दो कि किसी भी ज्योमेट्री में, ये नहीं दूसरी वाली बात नहीं, कि किसी भी ज्योमेट्री में लोन पेयर वही रहता है जहाँ स्पेस क्या हो, स्पेस ज़्यादा हो। ठीक है, स्पेस ज़्यादा होगा क्या मतलब है कि बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो। ठीक है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, और ये वाली बात भी ध्यान रखिए कि किसी भी ज्योमेट्री में दो लोन पेयर के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री या उससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री या उससे कम बॉन्ड एंगल हो जाएगा तो वो ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस केस में रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि बॉन्ड इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, वो ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो लोन पेयर के बारे में ये तीन बातें ध्यान में रखिए। ठीक है, चौथी बात का भी नंबर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर वहाँ जाएगा जहाँ स्पेस ज़्यादा हो, तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, तो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड कितना है 120 डिग्री है, और ये वाला एक्सियल वाला बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ नहीं जा सकता। ओके, तो बॉन्ड कितने और कितने लोन पेयर इस ज्योमेट्री में आ सकते हैं, तीन लोन पेयर आ सकते हैं। देखिए एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है और एक यहाँ आ सकता है। ठीक, इन दोनों पर नहीं आएगा, क्योंकि तीन लोन पेयर आएंगे इस वाले जगह पे, तो दो बॉन्ड पेयर बचे रहेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर वहाँ जाता है जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो, इसीलिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है, एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर नहीं जाता है। तो लोन पेयर के आ जाने से ज्योमेट्रिक शेप कैसा दिखेगा, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ है ये लोन पेयर, ठीक है, ऐसा मान लीजिए एक लोन पेयर यहाँ बैठेगा, मान लीजिए दो लोन पेयर आ गया, तो दो लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री, एक लोन पेयर को यहाँ ले लीजिए, एक लोन पेयर को यहाँ ले लीजिए। ठीक है, ऐसे करके दिखेगी ज्योमेट्री। जैसे जहाँ लोन पेयर रख रहा हूँ वहाँ लोन पेयर रखिएगा, शेप जो होगा वो आपको फील होगा। ठीक है, तो और एक लोन पेयर, अब यहाँ तीनों लोन पेयर हो जाएंगे, तीनों लोन पेयर हो जाएंगे और ऐसे बॉन्ड पेयर दिखेंगे बचे हुए। ठीक है, तो आपका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में तीन लोन पेयर आ सकते हैं, और तीनों लोन पेयर की पोजीशन ऐसे ऐसे बैठाइएगा। अब शेप कैसा आपको दिख रहा है, ये लोन पेयर अगर यहाँ पर है, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया अगर ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में, तो आपको कैसा दिखेगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाएगा क्योंकि बॉन्ड एंगल वहाँ 120 डिग्री है। ठीक,
तो मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस वाला, ये वाला मान लीजिए हट गया, ये वाले प्लेन वाले हैं। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका एक लोन पेयर आ गया। तो मैंने क्या बताया, शेप निकालने के लिए एक्सरे लेना पड़ता है, और एक्सरे लेते हैं तो लोन पेयर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब लोन पेयर गायब हो जाता है तो आपको ऐसी आकृति दिखेगी, ठीक है, ऐसी वाली, ऐसी आकृति। आपने पार्कों में देखा होगा, प्लेग्राउंड में, कि ऐसी एक आकृति होती है, बच्चे जिस पे खेलते हैं, एक यहाँ बैठता है तो ऐसे जाता है, एक यहाँ बैठता है तो इस साइड आता है, ऐसे ऐसे करके होता रहता है, ठीक है, प्लेग्राउंड में। उसी शेप को, उसी वाले शेप को क्या बोलते हैं, सीसॉ शेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब, अगर ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ रहा है तो शेप कैसा हो जाता है आपका, शेप हो जाता है सीसॉ शेप, ठीक है, सी सॉ शेप, ठीक है, सीसॉ शेप हो जाता है। ओके, ज्योमेट्री वही, अभी वही ज्योमेट्री रहेगी, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल रहेगी, ठीक है, ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ही रहेगी, ठीक। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, इस पे बहुत ब्रॉड एक एप्लीकेशन होता है। तो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। पांचवी चीज़, अभी भी नॉन प्लेनर ही ज्योमेट्री होगी, ठीक है, नॉन प्लेनर होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, लोन पेयर का प्लेनर या नॉन प्लेनर से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इस प्लेन में ये वाले प्लेन के ऊपर नीचे ही रहेंगे, तो अभी भी ये ज्योमेट्री नॉन प्लेनर ही रहेगी, ठीक है, नॉन प्लेनर। और पांचवी बात, छठवीं बात क्या हो जाएगी, रेगुलर है कि इरेगुलर, इरेगुलर हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर आ गया ना, और बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट है, और नंबर ऑफ बॉन्ड इन अ प्लेन। देखिए, जब लोन पेयर आ जाए ना, तब शायद तब नहीं पूछेगा कि एक प्लेन में कितने नंबर ऑफ एटम लाई कर रहे हैं। विदाउट लोन पेयर ज्योमेट्री जो होती है, विदाउट लोन पेयर, सिंपली आपका ट्रायंगुलर प्लेनर, और क्या नाम है, टेट्राहेड्रल और ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, सिंपली जिसमें एक भी लोन पेयर ना, उस तरह की ज्योमेट्री में टोटल नंबर ऑफ एटम लाइज इन अ प्लेन पूछ सकता है। क्योंकि जब लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एटम की पोजीशन भी इधर उधर हो जाती है, तो लोन पेयर जब होगा तब नहीं पूछेगा शायद, ठीक है। तो ये 6 बातें ध्यान में रखिए, ठीक है। तो एक लोन पेयर आया ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, तो शेप हो गया सीसॉ शेप। दो लोन पेयर आया तो देखिए, टी शेप दिख रहा है कि नहीं, ये टी बना है कि नहीं, क्योंकि एक्सरे लेंगे तो ये गायब हो जाएगा और आपको टी दिख गया, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए, ऐसे ही हम हटा देंगे और ये टी शेप दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि एक और बॉन्ड पेयर गायब हो जाएगा, उस जगह पे लोन पेयर आ जाएगा, तो शेप कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। तो शेप आपका क्या आ जा रहा है, टी शेप आ जा रहा, या बेंट टी शेप भी बोलते हैं, ठीक। दूसरी बात क्या है, ज्योमेट्री वही रहेगी आपकी, ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तीसरा और चौथा पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में। पांचवा चीज़, ये जो पांचवी चीज़ देखिए, ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, ठीक है। तीसरी और चौथी चीज़ आपका नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। पांचवी चीज़ देखिए, ये प्लेनर हो जाएगी, टी, अगर ABCD का टी वाला जो होता है ना, टी अक्षर जो होती है ना, टी वर्ड जो होता है, वो प्लेनर होता है। तो ये ज्योमेट्री कौन सी होती है, ये शेप कौन सा होता है, प्लेनर होता है। और पांचवी छठवीं बात क्या हो जाएगी, इररेगुलर ज्योमेट्री होगी, क्योंकि लोन पेयर है, ठीक है, इररेगुलर। ये टी शेप क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक। अब एक और लोन पेयर आ गया, एक और लोन पेयर आ गया, तो देखिए एक और लोन पेयर आ गया, तो तीनों इक्वेटोरियल वाले क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और आपको शेप कैसा दिखेगा, एक लाइन के अबाउट लीनियर शेप दिखेगा, ठीक है, लीनियर शेप दिखेगा। तो शेप कैसा हो गया आपका, शेप हो गया लीनियर, ठीक है। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में तीन लोन पेयर आएगा तो तीनों गायब हो जाएंगे, ऐसे आपको ज्योमेट्री क्या दिख जाएगी, लीनियर दिखेगी, एक लाइन के अबाउट, ठीक। तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अगर पूछे तो लोन पेयर आए चाहे ना आए, ज्योमेट्री सेम वैसी ही रहेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तीसरा चौथा पॉइंट नेक्स्ट, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री तो प्लेनर होती ही है, ठीक है, तो ये प्लेनर हो जाएगा। छठवा क्या हो जाएगा, लोन पेयर है तो ये रेगुलर ही होगा, ठीक, ठीक है। तो लोन पेयर के आ जाने से शेप कैसा हो जाएगा, कंपाउंड प्लेनर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लोन पेयर, अब इसके बाद लोन पेयर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था कि किसी भी ज्योमेट्री में उतने लोन पेयर आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जितने, उसमें दो बॉन्ड पेयर बचे रहे, तो यहाँ पे दो बॉन्ड पेयर बचा है, अब इसके बाद लोन पेयर नहीं आ सकता। तो इस ज्योमेट्री पे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्रिएट होता है, दो लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होता है। पहले तो इस तरह का देखिए,
इस तरह का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर शेप, ठीक है, किस शेप में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ठीक है, तो बॉन्डिंग में डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर इसके बाद हम करेंगे, तो पेंटागोनल प्लेनर में तो इन्वॉल्व होता है। ट्राइंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्राइंगुलर प्लेनर क्या इस ज्योमेट्री में बन रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डी जेड डी ऑर्बिटल शुरुआत कहाँ से होता है, sp3d2 और sp3d3 से होता है, यहाँ से डी ऑर्बिटल शुरुआत होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर प्लेनर की पॉसिबिलिटी नहीं होती, स्क्वायर प्लेनर की पॉसिबिलिटी होती है, और यहाँ पे आपका पेंटागोनल प्लेनर की पॉसिबिलिटी होती है शेप में, ठीक है, शेप में। तो पेंटागोनल प्लेनर तो पहला ऑप्शन तो हो जाएगा क्योंकि उसमें तो डी जेड स्क्वायर इन्वॉल्व है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है ट्राइंगुलर प्लेनर, तो ट्राइंगुलर प्लेनर बनने की पॉसिबिलिटी इसी में है, ठीक है, तो बने लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि लोन पेयर कहाँ जाता है, प्लेन वाले बॉन्ड एंगल में, अगर लोन पेयर यहाँ जाता है एक्सियल पोजीशन पे तो ट्राइंगुलर प्लेनर बन जाता, लेकिन लोन पेयर यहाँ एक्सियल पोजीशन पे कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है 90 डिग्री है, मतलब कम है बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, और एक बात यह आप ध्यान में रखिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए कि इन ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, इन ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ठीक। अगर यहां मान लीजिए बाई चांस अगर यहां एक लोन पेयर आ गया, ठीक है, एक लोन पेयर आ गया ऐसा, तो यहाँ लोन पेयर नहीं जाके यहाँ लोन पेयर आ गया, तो ट्राइंगुलर क्या बनेगा, पिरामिडल बनेगा, और इन दोनों एक्सियल पोजीशन पे अगर लोन पेयर आ जाए तो आपका क्या बनता है, ट्राइंगुलर प्लेनर बनता है। तो इन ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर और ट्राइंगुलर पिरामिडल शेप, ठीक है, शेप इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये शेप पॉसिबल ही नहीं क्योंकि लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे कभी जाएगा ही नहीं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ठीक है, आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कभी पॉसिबल ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर इसी में पॉसिबल हो सकती थी, ठीक है, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में, लेकिन वहाँ लोन पेयर एक्सेल पे कभी जाएगा ही नहीं। और इसी क्वेश्चन को ये दूसरे लैंग्वेज के फॉर्म में पूछता है कि इसी लैंग्वेज दूसरा नाम कि विच मॉलिकुलर ज्योमेट्री इज लीस्ट लाइकली टू रिजल्ट फॉर्म ए ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, मतलब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री द्वारा, ठीक है, इनमें से कौन सी ज्योमेट्री जो है जो सबसे कम बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो मैंने क्या बताया, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कभी भी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में नहीं बन सकता क्योंकि लोन पेयर कभी भी एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को, sp3d2 हाइब्रिड, देखिए ऐसे बता रहा हूँ, हर एक सवाल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, सवाल आराम से निकल जाए, अगर कॉन्सेप्ट में महारत हासिल है आपको तो सवाल एग्जामिनर कहीं से भी बताए आप कर लेंगे, ठीक है, रटेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये सवाल करेगा एग्जामिनर, ठीक है, अंदर से अंदर की बातें बता रहा हूँ कि एग्जामिनर कहीं से भी सवाल बताए मतलब बनाए तो आपसे लग जाए। तो sp3d2 में एक एस ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, ठीक है, py pz, और मैंने क्या बोला 2d ऑर्बिटल आए, ठीक है, पहले आए चाहे बाद में आए वो क्या होता है, पहले डी जेड स्क्वायर आता है और उसके बाद dx²-y² आता है, कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने क्या बोला पी जेड हमेशा डी जेड के साथ एक्जियली ओवरलैप करके क्या बनाता है पी डी बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और ये वाले क्या होते हैं चारों बॉन्ड, ये तीनों और ये वाले आपके एक प्लेन में होते हैं, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, तो ये चारों जो बॉन्ड होते हैं वो एक्स वाई प्लेन में होते हैं और ये एक्स उस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं जैसे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में हो रहा था, जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ठीक है, ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, एक प्लेन में आपको चार लोगों को बैठाना है तो 360/4 कर दीजिए, एंगल कितना आ जाता है 360/4 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हैं, भले ही आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब मॉडल के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक, और ये वाले बॉन्ड जो होते हैं आपके ऐसे होते हैं,
इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, एक ऊपर होता है ऐसे करके और एक नीचे होता है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह, एग्जैक्टली इस तरह ऐसा। देखिए इनको ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ऐसे करके तो एक स्क्वायर बन रहा है। तो ये प्लेन में चार बॉन्ड चले गए, ठीक है, चार बॉन्ड प्लेन में चले गए और एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर है और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे है। ये सारे बॉन्ड एंगल देखिए, ये वाला 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से, तो प्लेन वाले सारे एंगल ये जो है ना, प्लेन वाले ये सारे एंगल क्या है आपके 90 डिग्री है। और प्लेन के जो परपेंडिकुलर वाले हैं ये वाले, इनसे भी इनका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाले एंगल भी कितने हैं आपके 90 डिग्री हैं, ठीक है। देखिए इससे भी इसका एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है, सबसे इनका है, और उससे नीचे वाले का भी इनसे 90 डिग्री बनेगा, ठीक। तो ज्योमेट्री भैया, इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, ये ज्योमेट्री होती है आपके स्क्वायर स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। बाई पिरामिडल क्यों, क्योंकि ये देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, प्लेन प्लेन वाले जो बॉन्ड हैं उनसे स्क्वायर बन रहा है, और ये ऊपर वाला एक बॉन्ड है इससे एक पिरामिड बन रहा है, एक पिरामिड ऊपर वाले से बन रहा है और एक पिरामिड नीचे वाले से बन रहा है, तो इसीलिए स्क्वायर बाई पिरामिडल कह देते हैं, बाई पिरामिडल कह देते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गई। बॉन्ड एंगल पे बात कर लें तो ऑल बॉन्ड एंगल, ठीक है, ऑल बॉन्ड एंगल जो होता है वो क्या आता है आपका 90 डिग्री होता है, सभी बॉन्ड एंगल, ठीक है, सभी बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री होता है, सभी बॉन्ड पेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना, नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल कितना हो जाता है आपका, ठीक है, काउंट करें हम, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है इससे, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड है इससे इनसे चार 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, इससे एक, इससे एक, इससे एक और इससे एक, चार 90 डिग्री ऊपर वाले से बन रहा है, चार 90 डिग्री नीचे वाले से बन रहा है, और ये जो प्लेन में चारों एंगल है, प्लेन में चारों एंगल है वो क्या है आपके, वो भी 90 डिग्री पे है, एक यहाँ से 90 डिग्री, एक यहाँ से 90 डिग्री, एक यहाँ से 90 डिग्री, तो ओवरऑल 12 90 डिग्री एंगल होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 12 90 डिग्री एंगल होते हैं, ठीक। और 180 डिग्री एंगल कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, देखो एक ऐसा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 180, नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल, नंबर ऑफ 180 डिग्री एंगल कितने हो जाएंगे आपका, 180 डिग्री एंगल तीन होता है, ठीक। अब ये बात बताओ, यहाँ पे जो सारी बॉन्ड लेंथ होती है ना आइडेंटिकल होती है, सारी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल, स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में सारी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, तो ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, क्योंकि सब पे इक्वल रिपल्सन लगता है, सभी 90 डिग्री पे है, ठीक है, सभी 90 डिग्री पे है बॉन्ड, तो वो आपके इक्वल रिपल्सन लगता है, इसलिए वो ज्योमेट्री क्या होती है आपकी, सभी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल इसकी होती है, ओके। चौथी बात क्या है, प्लेनर ज्योमेट्री एक नॉन प्लेनर, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि प्लेन में तो यही वाले एटम आएंगे, ये प्लेन के ऊपर नीचे है तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक। पांचवी बात, चौथी बात हो गई, पांचवी बात रेगुलर है कि इरेगुलर, देखिए सभी बॉन्ड एंगल क्या है, सभी बॉन्ड एंगल आपके सेम है, ठीक है, सभी बॉन्ड एंगल, ये 120 डिग्री वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये बॉन्ड पेयर सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री है, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, रेगुलर या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोल लीजिए, सिमेट्रिकल बोल लीजिए। छठवां पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, छठवां पॉइंट में हो जाएगा नंबर ऑफ एटम स्लाइस इन अ प्लेन, ठीक है, तो पांच हो जाएंगे, ये प्लेन वाला बॉन्ड ले लीजिए, एक एटम, ये चारों सराउंडिंग एटम आएंगे, एक सेंट्रल एटम आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम लाइज इन अ प्लेन, नंबर ऑफ एटम लाइज इन अ प्लेन कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ एटम लाइज इन अ प्लेन आप सिर्फ और सिर्फ इसी विदाउट लोन पेयर वाली ज्योमेट्री में ही ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया भैया स्क्वायर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोन पेयर लेके आ जाए तो लोन पेयर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, सभी बॉन्ड एंगल आपके 90 डिग्री हैं, तो लोन पेयर कहाँ आएगा, लोन पेयर
एक इधर आएगा, 180 डिग्री पे ही आएगा, एक इधर आएगा या तो एक इधर आएगा। दो एडजेसेंट पे बॉन्ड लोन पेयर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो, ठीक है, किसी भी ज्योमेट्री में दो लोन पेयर के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है उससे कम नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिए, अगर लोन पेयर एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया एडजेसेंट वालों पे, तो एडजेसेंट वाले पे लोन पेयर गया तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ज्योमेट्री ऐसी कोई भी ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती, रिपल्सन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर दो लोन पेयर के बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो। तो एक लोन पेयर यहाँ जाता है तो एक लोन पेयर यहाँ जाता है, दो ही लोन पेयर पॉसिबल है। मान लीजिए एक यहाँ गया एक यहाँ गया, और दूसरा यहाँ चाहे तीसरा यहाँ जाए, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, तो लोन पेयर के बीच 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो दो ही लोन पेयर इस ज्योमेट्री में पॉसिबल है। तो लोन पेयर के आ जाने से शेप कैसा बन जा रहा है देख लीजिए। लोन पेयर के आ जाने से आपका, मान लीजिए यहाँ लोन पेयर चला गया, ठीक है, लोन पेयर यहाँ चला गया, तो इससे से स्क्वायर बन रहा है, इससे स्क्वायर बन रहा है, और इससे इनको मिलाएंगे तो एक पिरामिडल बनता है। तो एक लोन पेयर के आ जाने से शेप आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसी ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, इसको, स्क्वायर बाय पिरामिडल को, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा शेप, ठीक। अभी भी ये और ज्योमेट्री तो अभी भी वही होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि शेप लोन पेयर से ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद से क्या आपको चेक करना है, तीसरा और चौथा पॉइंट तो आपको बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ, नेक्स्ट लेक्चर में लोन पेयर क्या जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। पाँचवा पॉइंट, अभी भी नॉन प्लेनर होगा ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर आएगा, मान लीजिए ऊपर वाले बॉन्ड पे ऐसे लोन पेयर आएगा, इसको हटा दिया हमने, इसको हटा दिया, ठीक, इसको हटा दिया, तो ये देखिए एक पिरामिड स्क्वायर, इनसे स्क्वायर बन रहा है और एक पिरामिडल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट में प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, क्योंकि अभी भी ये बॉन्ड क्या है, प्लेन के बाहर है, तो ये अभी भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी एक लोन पेयर के आने से, नॉन प्लेनर ही रहेगी, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री भी नॉन प्लेनर होती है और इररेगुलर हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर आ गया है, ठीक है। तो एक लोन पेयर आया तो ऐसी कहानी हुई, अब दो लोन पेयर आ जाए तो क्या कहानी होगी भैया। तो दो लोन पेयर अगर आ जाएगा तो मैंने क्या कहा, दो लोन पेयर के बीच बॉन्ड एंगल कभी हो 90 डिग्री नहीं होता है। ये हो गए आपके बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो अब ये ऊपर वाले बॉन्ड पर, ऊपर वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर आएगा तो हम जब एक्सरे लेंगे तो लोन पेयर गायब हो जाएगा। तो अब देखिए पूरा एक प्लेन में ये सारे एटम बैठ जा रहे हैं, ठीक। तो अब पहले शेप क्या दिख रहा है, शेप आपको दिखा होगा स्क्वायर, देखिए स्क्वायर और प्लेनर बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन में आ जा रहा है, ठीक। शेप हो गया, ज्योमेट्री वही रहेगी, लोन स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पांचवी बात में क्या है, प्लेनर है ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि सारे एटम एक प्लेन में आ जा रहे हैं। छठवीं बात क्या हो जाएगी आपकी, छठवीं बात रेगुलर है कि इरेगुलर, इरेगुलर होगी ना, क्योंकि लोन पेयर है, इरेगुलर क्योंकि दो दो लोन पेयर है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा लोन पेयर पॉसिबल है क्या, मान लीजिए लोन पेयर, अब ये हो गया, मान लीजिए एक लोन पेयर हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक, यहाँ बैठा दिया, ऑलरेडी आपके लोन पेयर एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। अगर लोन पेयर ऊपर नीचे है तो बात कोई गड़बड़ी नहीं है कि इनके बीच एंगल क्या है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, ऐसे देखिए एंगल 180 डिग्री बन रहा है, तो कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन एक तीसरा लोन पेयर इस ज्योमेट्री में आ गया, तो देखिए 90 डिग्री एंगल बन गया ना, इस लोन पेयर से इसका, इस लोन पेयर से इसका, तो 90 डिग्री एंगल कभी भी किसी ज्योमेट्री में लोन पेयर के बीच नहीं बन सकता, ठीक है। तो और इसमें लोन पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और रिपल्सन उस केस में मैक्सिमम होगा, ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो ही लोन पेयर पॉसिबल है, ठीक, बात सही है। अब इस ज्योमेट्री के लिए एक क्वेश्चन है, उसको करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि, हाँ ये वाला, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द
मैक्सिमम नंबर ऑफ ए एक्स बॉन्ड ऑफ आइडेंटिकल लेंथ वेयर ए इज द सेंट्रल एटम एंड एक्स इज द सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो एस एफ सिक्स का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, एस एफ सिक्स, तो इसके वैलेंस सेल में छः पड़ोसी, तो छः सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, इसके वैलेंस सेल में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक फ्लोरिन एक लेता है, तो छः फ्लोरिन छः ले लेंगे, जीरो लोन पेयर बचेगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपका एस पी थ्री डी टू आ गया। ठीक है, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, ज्योमेट्री वही होगी, स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी स्क्वायर बाय पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। और मैंने क्या बताया कि ऑल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनकी आइडेंटिकल होती है, सभी बॉन्ड लेंथ इनमें आइडेंटिकल होती हैं। तो छ छ छ एस एफ बॉन्ड जो होंगे छ, देखिए छ बॉन्ड होंगे जो आपके क्या होंगे, आइडेंटिकल लेंथ के होंगे। ठीक है, आइडेंटिकल होंगे, और कोई भी ऐसी ज्योमेट्री नहीं होती है जिसमें छहों को छह बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होते हैं। आई एफ सेवन का हाइब्रिडाइजेशन अभी निकालेंगे तो एस पी थ्री डी थ्री आएगा, इसमें पांच बॉन्ड लेंथ जो होती है आइडेंटिकल होती है, पी एफ फाइव में पांच ही होती है। ठीक है, सी एल ओ फोर का हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालेंगे तो इसमें लोन पेयर है, बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं रहती है, तो इसमें जो होता है मैक्सिमम छः। स्क्वायर बाई पिरामिडल ही ज्योमेट्री है जिसमें सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ इसी ज्योमेट्री में आइडेंटिकल होती है, क्योंकि सभी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होती हैं, सब में रिपल्सन जो होता है इक्वल होता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आपका कौन सी ज्योमेट्री बच गई, एस पी थ्री डी थ्री की तरफ। ठीक है, तो एस पी थ्री, अब तक तो प्रैक्टिस पूरा हो गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें पूछ रहा है, हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पी वाई पी जेड हो गया, और मैंने क्या बताया, तीन और डी ऑर्बिटल आए और बाद में आए तो क्या क्या होते हैं आपके, पहले तो डी जेड स्क्वायर कूदता है, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कूदता है, फिर बड़ा भाई आया तो छोटे भाई को भी बुला लेता है डी एक्स वाई। ठीक, वही तीन डी ऑर्बिटल पहले आ जाए, डी थ्री एस हाइब्रिडाइजेशन होते, ये कौन से होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। डी थ्री एस हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है पता है आपको, डी ब्लॉक का मेटल हो और वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, एम एन ओ फोर माइनस हो जैसे, ठीक है, सी आर टू ओ सेवन पे माइनस टू हो, सी आर ओ फोर पे माइनस हो, ठीक है, सी आर ओ फोर पे माइनस टू हो, ठीक है, और वी ओ फोर पे माइनस हो। ठीक, तो डी ब्लॉक का मेटल हो और वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और नंबर ऑफ उसके सराउंडिंग एटम क्या हो, चार से चार या चार से ज़्यादा हो। देखिए, ये सारे डी ब्लॉक के मेटल हैं और ये सारे आप देखेंगे ना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और तो डी ब्लॉक का मेटल हो और वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और साथ ही साथ नंबर ऑफ पड़ोसी उसके पास क्या हो, चार या चार से ज़्यादा हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डी थ्री एस होता है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, ध्यान में रखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अब चलिए इसके ऊपर आते हैं, तो आपके मैंने क्या बताया, पी जेड तो हमेशा डी जेड के साथ में जाता है, और ये पांचों ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में जाते हैं, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही इन्वॉल्व है, तो पांच एक प्लेन में जाएंगे तो 360 बाय 5 कीजिए, एंगल उनके बीच कितना आएगा, 360 बाय 5 एंगल आपके 75 डिग्री आएंगे, क्या पाँच 75 डिग्री आएंगे, पाँच पाँच बचे 25 नहीं 72 डिग्री आएगा, पाँच दुनिया 72 डिग्री होगा एंगल। ठीक है, तो हर एक बॉन्ड पेयर एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे होंगे, 75 डिग्री एंगल पे, ऐसे बनाइएगा ज्योमेट्री को। ठीक है, यहाँ सेंट्रल एटम लाई करेगा, अब इस सेंट्रल एटम से ये पांच पांच सराउंडिंग एटम ऐसे जुड़े रहेंगे। ठीक, और एक इसके ऊपर एक इसके नीचे होगा, ये मेरे पास ऐसा मॉडल नहीं है कि मैं दिखा दूँ, क्योंकि मॉडल ऐसा पता नहीं क्यों दिया ही नहीं है, मैंने मंगाया था मॉडल इसमें है नहीं, तो आप ध्यान रखिए कि ये वाले जो पांचों बॉन्ड है ना, ये वाले ये पेपर के प्लेन में है, और ये वाले ऊपर नीचे है जो, ये ऐसे ऊपर नीचे है परपेंडिकुलर। ठीक, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 72 डिग्री है। ठीक है, 72 डिग्री है, और ये वाले जो है ना, ये ऊपर नीचे वाले, ये सभी इन सभी प्लेन वाले बॉन्ड से 90 डिग्री एंगल पे है, तो ज्योमेट्री तो आपकी क्या बन रही है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बन रहा है। ठीक
ठीक है, एक पिरामिड इससे ऊपर वाले से बनेगा, एक पिरामिड नीचे वाले से बनेगा, इसलिए बोला पेंटागोनल। पेंटागोनल इसलिए बोला कि ये पांच है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या है, ये सभी प्लेन वाले बॉन्ड क्या है आपके 72 डिग्री हैं, और ये ऊपर नीचे वाले जो है वो प्लेन से 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो बॉन्ड एंगल कितने हैं आपके 72 डिग्री, बॉन्ड एंगल कितने हैं आपके 5 हो जाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, और 90 डिग्री एंगल कितने हो जाएंगे आपके, ठीक, इस एक ऊपर वाले से ये पांचों 90 डिग्री एंगल पे हैं, तो ऊपर वाले से 5 90 डिग्री मिल रहे हैं, नीचे वाले से 5 90 डिग्री बन एंगल मिल रहे हैं, तो 10 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री यही एक होगा, ठीक। बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, सभी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं होंगी, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होंगी, इसमें भी ये इक्व एक्जियल होता है, इसमें ये एक्जियल होता है, और ये प्लेन वाले इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है, प्लेन वाले इक्वेटोरियल होते हैं। स्क्वायर प्लेनर में ऐसी कोई बात नहीं होती, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होते हैं, बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ऐसी है जिसमें आपका क्या होता है एक्जियल और या फिर इक्वेटोरियल की बात होती है, ठीक है। इसमें भी दो तरह के बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं दो तरह के, एक्सियल एक्सियल होते हैं और एक इक्वेटोरियल होता है, ठीक है। एक्सियल वाला क्या होता है आपका शॉर्ट क्या वीकर होता है और लॉन्गर होता है, वीकर और लॉन्गर होता है, और इक्वेटोरियल वाला जो होता है आपका स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर होता है, ठीक। ये बॉन्ड के बारे में हो गया। प्लेनर है कि नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, नॉन प्लेनर है कि मैंने क्योंकि पांच बॉन्ड एक प्लेन में है और एक प्लेन के ऊपर है एक प्लेन के नीचे है, तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है, ठीक। छठवीं बात क्या आपको याद रखनी है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, इरेगुलर दो तरह के बॉन्ड एंगल है, ठीक है। चौथी बात होगी, पांचवी बात होगी, छठवीं बात आपको याद, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम एक प्लेन में लाई करेंगे। देखिए एक प्लेन में है, ये जो पेंटागन बन रहा है वो एक प्लेन में, तो यहाँ एक सेंट्रल एटम हो जाएगा और पांच पड़ोसी हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 6 एटम, मैक्सिमम 6 एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 6 एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। तो ये बात है, और इस ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर पॉसिबल होता है, नहीं दो लोन पेयर पॉसिबल होता है, ठीक है, बता, एक यहाँ पॉसिबल हो सकता है और एक यहाँ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल उनके बीच 180 डिग्री रहेगा, और यहाँ यहाँ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे रखे एक और यहाँ पे रखे तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका sp3d3 ज्योमेट्री में, जैसे कि इस ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर आ जाएगा तो क्या क्या शेप या ज्योमेट्री दिखेगी, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। XeF5- ले लीजिए, समझते हैं, ठीक है, और XeF6 ले लीजिए, यही दो कंपाउंड जो फेमस है, अगर पूछेंगे तो यही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं भैया, हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालो, तो इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक आ गया, 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए इसके वैलेंस सेल में, ठीक। एक फ्लोरिन पाँच ले, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो पाँच फ्लोरिन मिल के पाँच ले लेंगे, ठीक है, तो पाँच तो सिग्मा, पहले पाँच पर रोटसी है तो पाँच सिग्मा हो गए, और इसके पास पाँच फ्लोरिन पाँच ले लेगा, 9 है तो बचेंगे 4, तो दो लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है, दो लोन पेयर हो गए, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d3 आ गया, ठीक है। अब दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर इस ज्योमेट्री में कहाँ बैठेंगे, सो सिंपल है, ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी, देखिए लोन पेयर कहाँ बैठेंगे, ऐसे एक पेंटागन होगा, ये यहाँ पे जेनोन होगा, एक फ्लोरिन यहाँ, 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 ठीक, यहाँ फ्लोरिन होंगे, और दोनों एक्सियल पोजीशन पे ऐसे करके लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक्सरे लेंगे तो लोन पेयर गायब हो जाएगा, शेप आपको कैसा दिख जाएगा, यहाँ सीधे शेप आपको दिख जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर दिख जाएगा, ठीक है, पेंटागोनल प्लेनर, ठीक, बात सही है, सेप पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा, ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है। तीसरी बात, चौथी बात, बॉन्ड लेंथ के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है। पांचवी बात क्या हो जाएगी आपकी, प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, नाम में प्लेनर आ रहा है तो पूरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, प्लेनर, प्लेनर या नॉन प्लेनर
लोन पेयर प्लेनर या नॉन प्लेनर के केस में कोई इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है? तो प्लेनर हो गया ये, और क्या इरेगुलर हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है, ठीक है? और मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम लाई करेंगे एक प्लेन में, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके कितने एटम लाई करेंगे, ये पांच, एक ज़ेनॉन और ये पांचों फ्लोरीन एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्स, छह एटम एक प्लेन में लाई कर जाएंगे, ठीक है? ये टोटल प्लेनर है, ठीक। अब इसका देखते हैं, ज़ेनॉन फ्लोराइड ये पूरा वीआईपी है, इसको वीआईपी लिख लीजिए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो छः सिग्मा मिल जाएगा और एक लोन पेयर मिल जाएगा, ठीक है? ज़ेनॉन के वैलेंस सेल में आठ होते हैं, एक फ्लोरिन एक छः एक लेगा, छः फ्लोरिन मिलकर छः लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन तो आपका sp3d3 ही है, तो एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो आपका किस रूल के हिसाब से कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ पे लोन पेयर जाना चाहिए था, मतलब ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए थी, एस अरेंजमेंट जो है लोन पेयर का इस टाइप से होना चाहिए था कि यहाँ ज़ेनॉन हो, ऐसे फ्लोरिन ऐसे करके पांच फ्लोरिन इधर हो, ठीक है? पांच फ्लोरिन ऐसे करके इधर हो और एक फ्लोरिन यहाँ पर हो और एक लोन पेयर आपका ऐसे एक्सियल पोजीशन पे आए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ज्योमेट्री एक्चुअली में अरेंजमेंट जानते हैं, लोन पेयर कहाँ जाता है, इस ज्योमेट्री में ऐसा अरेंजमेंट होता है। मैं दिखा रहा हूँ, ज़ेनॉन यहाँ रहता है, एक फ्लोरिन इधर, एक फ्लोरिन इधर, एक फ्लोरिन इधर, एक फ्लोरिन इधर, ठीक है? और एक फ्लोरिन यहाँ रहता है और एक फ्लोरिन यहाँ रहता है, ठीक है? और जो लोन पेयर ना वो आपका इस तरह से अरेंज होता है, यहाँ पे लोन पेयर इस तरह से यहाँ अरेंज होता है। तो आप एक बात बताओ, देख के आपको क्या लग रहा है, ये ज्योमेट्री ये स्क्वायर लग रहा है, ठीक है? स्क्वायर, और एक पिरामिड यहाँ से बनेगा, एक पिरामिड यहाँ से बनेगा, तो ये एक्चुअली में क्या होता है, स्क्वायर शेप, शेप क्या होता है, यहाँ पे शेप होता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है? बाई पिरामिडल, ठीक ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिड एग्जैक्टली ऐसा होता है, एक जो लोन पेयर होता है ना एग्जैक्टली ऐसे अरेंज होता है। देखिए यहाँ पे कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? एग्जैक्टली ऐसे कि लोन पेयर यहाँ आता है, एक्सियल पोजीशन पे नहीं जाता, यहाँ यहाँ नहीं जाता, लोन पेयर एक्चुअली में यहाँ जाता है और ज्योमेट्री घूम के आपकी कैसी हुई दिखती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल दिखती है, या फिर इसे ही हम डिस्टॉर्टेड बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक। इसका एक और नाम होता है ऑक्टाहेड्रल भी होता है, लेकिन कैप डॉक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है? कैप डॉक्टाहेड्रल, ठीक है? कैप डॉक्टाहेड्रल, ऐसे तीन, ये तीन नाम याद रखिएगा कि इस ज्योमेट्री, जब sp3d3 ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाता है तो वो यहाँ अरेंज होता है, ठीक है? ना कि एक्सियल पोजीशन पे अरेंज होता है, और ज्योमेट्री एक्चुअली में कैसी दिखती है आपकी, स्क्वायर बाई पिरामिडल दिखती है, या फिर डिस्टॉर्टेड बाई पिरामिडल कहते हैं, या फिर कैप डॉक्टाहेड्रल कह लो, या फिर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह लो, ये चार नाम बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, हर एक ज्योमेट्री को मैंने आपको विजुअलाइज़ कराने की कोशिश की है, और सामने रहते तो शायद और अच्छे से विजुअलाइज़ करा सकता था, फिर भी मॉडल के थ्रू मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ऐसी चीज़ें आप खुद मतलब सोचिए, क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, मैं ये सारे क्वेश्चन जितना बताया हूँ आप उतना प्रिपेयर कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो इन्हीं से में से फंस जाएंगे, अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगा कि इतने क्वेश्चन आप हाइब्रिडाइजेशन से लगा दीजिए, मिनिमम मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? ज़्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन, ठीक है? वो 15 क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ठीक है? तो प्रैक्टिस भी हो, ये तो मैंने थ्योरी बताया, कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसी चीज़ें होती हैं शेप में, ज्योमेट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें पूछता है, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में 15 क्वेश्चन का मैं एक असाइनमेंट दूंगा जो आप सॉल्व कीजिएगा सारे, अगर वो क्वेश्चन आपसे लग जा रहे हैं तो बात बिल्कुल सही है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट है, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, ठीक है? लाइक और कमेंट करना तुम्हारा फ़र्ज़ है, शेयर और सब्सक्राइब करके खुद का नॉलेज बढ़ाओ और दूसरों का नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बेंड्स रूल और बॉन्ड एंगल में, ठीक है? पहले तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं असाइनमेंट दूंगा 15 सवाल का, जो इससे लगाने हैं तुमको, जो सवाल ना लगे वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, सारे सवाल लग जाएंगे अगर ये सारे लेक्चर देखो हो तो, ओके? तो अब इतना ही, जय हिंद जय भारत।